हेलो गाइस, फिर स्वागत है सभी का माइनक्राफ्ट की एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज की क्लास के लिए सब लोग रेडी गाइस? तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ पीछे, तो चलो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। यार मैं अपने लैब के पीछे जो ये समुद्र बना हुआ है इसको देख रहा था भाई, ये कितना ही शांत है। और इसके अंदर तैरने वाली मछलियों को देख रहा था, निहार रहा था कि काश मैं भी मछली होता तो मैं इस समुद्र के अंदर तैर रहा होता और भाई काफ़ी कितना मज़ा आता। मतलब तो यार हम लोग इनके साथ तैर तो नहीं सकते क्योंकि हम लोग मछली नहीं है। और गाइस एक प्रॉब्लम हो रहा है कि हम लोग गाइस इनकी तरह पानी के अंदर सांस नहीं ले सकते हैं, तो वो दिक्कत है। तो हम लोग गाइस इनके साथ जो तैरने वाला काम है वो तो इम्पॉसिबल सा है, बट हम लोग इसको पॉसिबल करेंगे क्योंकि अगर हमने मन बना लिया है इनके साथ तैरने का तो गाइस वो तो हम लोग करेंगे किसे भी। तो चलो गाइस चलते हैं हमारे लैब के अंदर और भाई लगाते हैं कुछ जुगाड़ के, आखिर कुछ तो हो जिससे कि हम लोग जो है एक मछली की तरह पानी के अंदर सांस ले सकें। तो चलो देखते हैं हमारी चेस्टों के अंदर आखिर कुछ सामान रखा है क्या। सबसे पहले हम लोग लेने वाले हैं एक वाटर बॉटल, और फिर जो हमें कुछ और सामान चाहिए जैसे कि हमारा नेदर बोट हो गया, फिर यहाँ से पफर फिश। वैसे हम लोग इसी फिश की शक्तियों का इस्तेमाल करके जो है वो पानी के अंदर सांस ले पाएंगे, और हमारा रेड स्टोन डस्ट। तो आ जाओ गाइस हम लोग बनाते हैं एक नई चीज़ जिससे कि हम लोग इस मछलियों की तरह पानी के अंदर सांस ले पाएंगे। तो हमें गाइस यहाँ पर सबसे पहले क्या बनाना है, सबसे पहले गाइस हमें रेडी करना है हमारा जो है वो है हमारा एक्वाड पोर्शन। तो उसके लिए हमको नेदर बोर्ड डालना है और इसको छोड़ देना है। और जब भी मैं यहाँ खड़े होकर देखता हूँ ना यार, मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि मैं किस जगह मैंने लैब बना ली यार, बिल्कुल बेकार सा लगता है। ना विलेज है, ना कोई विलेजर है, बिल्कुल अकेले से पड़े रहो। तो इसका कुछ मुझे करना पड़ेगा। देन गाइस हमारा जो एक्वाड पोर्शन है वो रेडी हो चुका है लगभग लगभग। देन ये हो जाने के बाद में हमें यहाँ पर पुट करनी है हमारी पफर फिश। तो गाइस यहाँ पर जो पोर्शन बनने वाला है वो बनने वाला है गाइस हमारा पोर्शन ऑफ वाटर ब्रीदिंग का। देन ये होता है इतने हम लोग कहीं जाके हमारे मोए मोए से मिल लेते हैं क्योंकि गाइस पिछली बार एक साथ बड़ा हादसा हो गया था। देन यहाँ पर भी कुछ हादसा हुआ था भाई, जिन लोगों को पता है हादसा क्या हुआ था वो मुझे कमेंट करके बताएंगे। देन ये हो जाने के बाद में गाइस जो हमारा पोर्शन है वो लगभग रेडी हो ही चुका है। यहाँ पर हम लोग देखने आए हैं, ओके यहाँ पर ये बन चुका है। बट गाइस इसकी जो ड्यूरेशन है वो 3 मिनट के लिए, तो हम लोग इसके अंदर यूज़ करने वाले हैं रेड स्टोन डस्ट जिसकी गाइस थोड़ा सा और एक्सट्रीम शक्तियों का इस्तेमाल किया जा सके। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे। देन ये हो जाएगा हमारा जो पोर्शन ऑफ वाटर ब्रीदिंग है वो रेडी। और गाइस इससे हमारा जो पोर्शन है वो 8 मिनट तक जो है उसकी ड्यूरेशन बढ़ जाएगी। देन गाइस हमारा पोर्शन रेडी हो चुका है। देन हमें जो सारा सामान है वापस प्लेस करना है उसकी जगह पर। तो यहाँ पर हमें रखना है भाई हमारा जो नेदर बोर्ड है। देन नेदर बोर्ड के बाद हमारी जो सेकेंड चीज़ आती है वो आती है पफर फिश। ओके पफर फिश और फिर रेड स्टोन डस्ट, तो भाई सबसे नीचे रेड स्टोन डस्ट। तो हमने सारी चीज़ काफ़ी अच्छी तरीके से मेंटेन करके रखी हुई है। तो ना अब हम लोग रेडी है सीधा अंदर जाने के लिए, और 1 2 3 सीधा पानी के अंदर। तो हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं और गाइस देख सकते हो आप लोग यहाँ पर भाई काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है। तो जल्दी से वाटर ब्रीथिंग का जो हमारा पोर्शन है वो हम लोग पीते हैं। ओके हमने पी लिया है और गाइस ये जो स्टार्ट हो चुका है। तो अब आप लोग देखो समुद्र के अंदर के नज़ारे भाई क्या ही लग रहा है, ये ओशन अंदर से। और ये मछलियाँ तो आप लोग देख रहे हो भाई कितनी सुंदर सुंदर मछलियाँ हैं, और भाई डॉल्फिन भी यहाँ पर हैं देख सकते हो। और ये कितनी प्यारी लग रही है यार, खतरनाक सी मस्त सी जगह यार मस्त। बट उधर डेंजर है, उधर खतरा, उधर नहीं जाने का है अपने को। और गाइस यहाँ पर आप समुद्र की गहराइयों में समुद्र का आनंद लेते हुए, तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो भाई 2 डॉल्फिन तैर रही है। और भाई साहब कितनी सुंदर सी जगह लग रही है, बट 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 भाई साहब डरावना भी लग रहा है यार। ये देख सकते हो आप लोग अंदर से काफ़ी अंधेरा हो चुका है अभी, तो कुछ तो गड़बड़ है गाइस, निकलना पड़ेगा मेरे को ऐसा लग रहा है। इतना अंधेरा क्यों हो चुका है इधर पे, अधिक सो कि बारिश बारिश होने वाली है। और भाई ये कहाँ से आ गया, भाग लो भाई अब, उतना काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है वरना अपना गेम बच सकता है यहाँ पर। सर टाइम तो हमारे पास में है काफ़ी ज़्यादा, 6 मिनट के आसपास है। बट नहीं अब हमको यहाँ नहीं रहना है, अभी मुझे देखना पड़ेगा हम लोग आगे हैं कहाँ। ओके मुझे यहाँ से कुछ भी नहीं दिख रहा है कि हम लोग कहाँ पर हैं। हमारे लैब, ओके लैब देखिए, मुझे लैब देखिए, हाँ लैब है यहाँ पर। यहाँ पर कोई तो, हाँ ठीक है लैब सामने ही है। फिर सीधा लैब की तरफ जाना है क्योंकि भाई बारिश हो रही है, और बारिश के अंदर बाहर रहना बहुत ख़तरनाक है। तो अभी हमें सीधा लैब में जाना है किसी भी तरीके से। पानी के अंदर तो भाई बहुत खतरनाक खतरा है ही सही हमारे लिए, और बाहर भी। तो अभी हम लोग फाइनली लैब के पास में तो आ चुके हैं, पर यार ये कब तक चलेगा, कब तक हम लोग भागते रहेंगे। हमें कुछ ना कुछ तैयार करना पड़ेगा भाई, कुछ वेपन वेपन जिससे कि आज हम लोग इसे लड़ सकें। फिलहाल तो हम लोग गाइस लड़ते नहीं, हम लोग भगते हैं सीता जी को देखते सही। फाइनली हम लोग आ चुके हैं गाइस पानी से बाहर। गाइस काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया वैसे यार ओशन के अंदर जाके, हम लोग एक बार और चलेंगे एक्सप्लोर करने के लिए। बट
आज भाई बारिश के कारण थोड़ा सा जो सीन ख़राब हो गया, तो इस यहाँ पर जो है हमने आज काफ़ी अच्छा इन्जॉय किया ओशन के अंदर, और इस बारिश में यहाँ का सीन कुछ ऐसा लगता है। तो मैं जनरली यहाँ खड़े होकर देखता रहता हूँ। और गाइस यहाँ पे अब बदसूरत लोग आ गए हैं, कुछ यहाँ से भागना पड़ेगा मुझे यार। ये गंदे शकल लेके पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। अभी अच्छी खासी लैब का कचरा कर देता है ये, पर मैं पानी के अंदर जा सकता हूँ। अभी मेरे पास भाई शक्तियाँ हैं थोड़ी देर, तो मैं इसको पानी के अंदर ला सकता हूँ और इसको पानी के अंदर मार सकता हूँ, क्योंकि उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। चार पैर का गंदी शक्ल का इंसान मार दे, ये ले भाई, इसका तो गेम बच गया, पर हमें कुछ नहीं हुआ क्योंकि पानी के अंदर हमें कोई इफेक्ट होता ही नहीं है इसका। और अबे यार ये चाहते क्या है यार, मतलब कि मैं घर के बाहर ही रहूँ, उधर से जान बचा के आया भाई, यहाँ पूरा खतरा पड़ा हुआ है। अब भागता रहूँगा मैं इस गेट से उस गेट में, इस गेट से उस गेट में। ये काफ़ी खतरनाक चीज़ है यार, मेरे को ये चीज़ गंदी लगती है। बस इनकी हमारी परेशान हूँ मैं, कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा मुझे। आ जा तू, आ जा तेरे को मार ही देता हूँ मैं, मेरे पास है ही नहीं कुछ, कैसे मारूँगा इसको। सर टाइम लग जाएगा मुझे पाकने में काफ़ी ज़्यादा, तो इससे बढ़िया है कि भागा जाए यार, पता नहीं क्या ही लगता है। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग अगली वीडियो में। और गाइस पता नहीं यार ये मेरे पीछे क्यों पड़ा है, पता नहीं मैंने क्या इसी खेत के अंदर ट्रैक्टर निकाल दिया जो मेरे पीछे पड़ा है। छोड़ दे मेरे भाई, छोड़ दे यार, क्या हो गया तो